हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट एडवांस्ड फिल्टर। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एडवांस्ड फिल्टर के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको फिल्टर के बारे में बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लें, तभी आपको एडवांस फिल्टर समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एडवांस फिल्टर से क्या होता है? Advanced filter. This option is used to filter the data in multiple fields using specified criteria or to copy the filtered records to a different location or to find unique records. इस option से आप अपने data को filter कर सकते हो। Filter जो आपने जब ऑप्शन फिल्टर से किया था तो क्या था कि उसमें जो रिकॉर्ड आपको नहीं देखना है आप हाइड कर सकते हो, दोबारा शो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप मल्टीपल फील्ड्स, बहुत सारे अगर आपने हेडिंग दिए हैं तो उसमें कोई क्राइटेरिया दे सकते हो, कोई कंडीशन दे सकते हो, और उस जो आपका क्राइटेरिया आया है उसको किसी और लोकेशन पर आप पेस्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि एडवांस फिल्टर आपको करना कैसे है। सो यहाँ एक्सेल में आपने क्या करना है, डेटा में जाना है और आपको क्या मिलेगा, पहले आपने फिल्टर किया था, आज आप क्या करने जा रहे हैं, एडवांस फिल्टर। तो एडवांस पे आपको क्लिक करना है। एडवांस को करने से पहले आपको जो ये हेडिंग है, हेडर्स हैं, इसको आपको सबसे पहले नेम से लेके जितने भी हेडिंग्स आपने दिए हुए हैं इसको आप कॉपी कर लेंगे और कहीं भी नीचे भी आप कर सकते हो, कहीं पर भी आप इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कंडीशन दे सकते हो, कोई क्राइटेरिया यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं कह रही हूँ कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स आपके, सपोज़ मैं चाहती हूँ साइंस के मार्क्स आपके ग्रेटर देन 90 में दे देती हूँ। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो दोनों में चेक कर लेगा, अभी मैं फ़िलहाल एक ही दे रही हूँ, आप दो भी लिख सकती हो। आप कोई कंडीशन ये भी लगा सकते हो, नेम ए से स्टार्ट हो, तो कोई भी मल्टीपल कंडीशंस आप दे सकते हो। सपोज़ चलो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इंग्लिश के मार्क्स मुझे चाहिए 80 से ग्रेटर, राइट। तो यहाँ पर आपने क्राइटेरिया भी सेट कर लिया। तो अब हम कर रहे हैं एडवांस पर क्लिक। यहाँ पर मुझे आंसर चाहिए कॉपी टू अनदर लोकेशन, अलग जगह आंसर चाहिए। अगर सेम चाहिए तो आप इस पर करेंगे, मैं अभी यहाँ कॉपी टू अनदर सिलेक्शन पर कर रही हूँ। लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज पर जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं, देखिए लिस्ट रेंज इसने अपने आप ले ली है जो भी आपका डाटा था। क्राइटेरिया रेंज में आपको ये देना है जो आपका क्राइटेरिया है रेंज। और कॉपी टू मीन्स अलग आंसर कहीं और चाहिए तो उसके लिए आप कहीं पर भी और कहीं क्लिक कर दें। सपोज़ मुझे आंसर यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ 16th रो में, ओके। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर से आप मैच भी कर सकते हो कि इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं जिन स्टूडेंट्स के, और साइंस के मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं। तो आज आपने क्या सीखा कि फिल्टर, एडवांस फिल्टर से आप क्या कर सकते हैं।